राम राम जी, सभी भाइयों का राम राम। भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बड़े बुजुर्गों को, सबको राम राम। और बहुत दिन हो गए थे लाइव आए हुए, चलो आज लाइव आ गए, सबसे बात करते हैं। आज थोड़ी प्रैक्टिस करी थी और भाई जगह देखो बहुत बढ़िया है, प्रैक्टिस करके ही फ्री होया था, मगर चलो सबसे बात करते हैं भाई। ये देखो भाई, बढ़िया मौसम और बहुत ही बढ़िया जगह है भाई प्रैक्टिस करने की। अभिषेक भाई, हाँ दिन है, यहाँ पे सुबह हुई है, सबको राम राम भाई। काफ़ी दिन हो गए बात करे, सबसे बात करते हैं। गर्मी तो है भाई यहाँ भी अपनी तरह, पर बाकी मौसम बहुत बढ़िया है और नज़ारा तुमने देखा ही होगा। मेरे पीछे देखो भाई, बहुत बढ़िया है। जय हिंद भाई, जय हिंद। और सबको राम राम। राहुल भाई, आगे का प्लान फाइट का बस चलती रहती है भाई, हर हफ्ते होती है यहाँ पे यूएसए में। बस अभी इंतज़ार है उस दिन का कि जिस दिन टीवी पे आएगी और अपने सारे हिंदुस्तानी देखेंगे, जिस दिन सबके सामने होगी उस दिन का इंतज़ार है। और भाई वो दिन शायद जल्दी ही आएगा। आप सबका प्यार है, आप सबकी दुआएं हैं। इंडिया शायद दिसंबर में आऊंगा भाई। मोनू पंडित भाई, उस फाइट के बारे में बता रहा हूँ, बड़ी जल्दी देखने को मिलेगी शायद। अपनी तरफ से कोशिश है भाई, कोशिश कर रहे हैं पूरी। यहाँ पे यूएसए में फाइट होती है हर हफ्ते। अरे भाई मैं वही बोल रहा हूँ, इंतज़ार उस दिन का है कि जिस दिन सब भाइयों के सामने टीवी पे होगी। और भाई एक बात और थी जो मैं करना चाहता हूँ आप सब से, कि आजकल बहुत सारे केस आपने ऐसे देखे होंगे कि असफल लोगों की तो छोड़ो, जो लोग सफल हैं, जो सक्सेसफुल हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, सुनने में इतना आता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या होता है कि भाई जो लोग इतनी स्ट्रगल करके जीरो से स्टार्ट करके और चोटी पे पहुंचते हैं और उसके बाद वहां जाके उनके साथ ऐसा क्या हो जाता है कि छोटा सा भी कोई झटका वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। बहुत ही गंभीर बात है और ये बहुत ही सोचने की बात है भाई। तो जितनी मेरी समझ है, मेरे हिसाब से लगता है कि भाई जब आप स्ट्रगल करते हो, जब आप अपने 20-30 साल की उम्र में होते हो, 20-25 साल की में, तो दोस्तों के साथ अपने खुशियां मनाते हो, परिवार के साथ बड़ी खुशी खुशी रहते हो सबके साथ, लेकिन जो जो आप ऊंचाई पर जाने लग जाते हो, कामयाबी आपको मिलने लग जाती है, तो जो आपका दायरा है वो बहुत सीमित होता चला जाता है। और उसी की वजह से ऐसा होता है कि हम छोटे छोटे मौज मस्ती नहीं कर पाते, हम उन चीज़ों से दूर हट जाते हैं, हम अपने आप को बड़ा मानने लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत गलत बात है, आप पैसा कमाओ, शोहरत कमाओ, नाम कमाओ, सब कुछ कमाओ, लेकिन अपने सर्कल को, अपने दोस्तों को मत छोड़ो। आकाश गौतम भाई, बिल्कुल सही बात है आपकी। इमरान कलेर भाई, राम राम। तो भाई यही है कि अपने सर्कल को मत छोड़ो, जो मौज मस्ती आप 20-25 साल की उम्र में करते थे वो मत छोड़ो। पैसा कमाना इस बात का कोई वो नहीं है, संकेत नहीं है कि भाई आपने पैसा कमा लिया तो ये चीज़ें छूट गई। बस मेरे हिसाब से यही बात है कि भाई ठीक है आपको टाइम कम मिले, लेकिन मौज मस्ती अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ जितना भी टाइम मिले
पहले जो आप रोज करते थे आप हफ्ते में एक दिन कर लो, महीने में एक दिन कर लो। लेकिन दोस्त ऐसे होते हैं, परिवार ऐसा होता है कि भाई जो आपको हर समस्या से लड़ने में मदद करता है। तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि चाहे आप कहीं भी क्यों ना पहुंच जाओ, ऊपर पहुंच के खुद को अकेला मत बनाओ, खुद को अपनी सफलता को दिमाग पे मत चढ़ने दो। अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ मौज मस्ती ऐसे ही करते रहो, जितना भी टाइम मिले मौज मस्ती जरूर करते रहो भाई। तो आप सभी जो भी मेरी बात सुन रहे हो या जो भी मेरे पेज से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा मैं हूँ नहीं, बहुत ज़्यादा मेरे को नॉलेज भी नहीं, लेकिन जितना मुझे लगता है तो अभी डिप्रेशन यही चीज़ चाहता है, क्योंकि यही बात मैं सोच रहा था कि भाई इंसान कोई भी कामयाबी के रास्ते पर चलता है वो बिल्कुल जीरो से शुरू करता है, और जब वो ऊपर पहुंच जाता है तो इतना स्ट्रगल करके जो इंसान कामयाब हो जाता है उसके साथ ऐसा क्या हो जाता है कि भाई वो थोड़ा सा भी झटका, थोड़ी सी भी असफलता बर्दाश्त नहीं कर पाता और सुसाइड का रास्ता अपनाते हैं। तो कई भाई जो बता रहे हैं मेन वजह स्ट्रेस है भाई, और स्ट्रेस तब आती है जब हम खुद को अकेला कर लेते हैं, एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं। तो भाई सब कुछ करो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, लेकिन खुद को पिंजरे में कैद मत करो, अपनी सफलता को यहां मत चढ़ने दो। दोस्तों के साथ खुशियां मनाते रहो, वही छोटी छोटी चीजें जो आप 20 साल की उम्र में करते हो, दोस्तों के साथ रेडियो पे खाना, गलियों में घूमना, इधर उधर कहीं घूमने जाना, मौज मस्ती करना, वो कभी मत छोड़ो। ये आपको बहुत मदद करेंगे, आपको कभी कमजोर नहीं होने देंगे। और भाई भाई पूछ रहे हैं कई कि भाई मैं कहाँ से लाइव हूँ। भाई यहाँ सुबह है अभी, मैं USA में हूँ, फ्लोरिडा में। तो भाई इंडिया में बिल्कुल रात है और यहाँ सुबह है। हाँ भाई सभी भाई बोल रहे हैं कि यहाँ रात हो रही है, बिल्कुल भाई इंडिया में रात है, मैं USA में हूँ, यहाँ अभी सुबह है और मौसम बहुत बढ़िया है। सभी को राम राम भाई। और भाई मेहनत जरूर कराया करो, जब भी टाइम मिले दिन में मेहनत जरूर कराया करो भाई। जरूरी नहीं है कि आप किसी फील्ड में हो, कोई गेम करते हो तभी मेहनत करनी जरूरी है, एक्सरसाइज करनी आप सबको जरूरी है, चाहे आप कोई गेम करते हो, नहीं करते हो, कुछ भी करते हो, मन की शांति के लिए, मन की खुशी के लिए और अपने शरीर को फिट रखने के लिए मेहनत जरूर करा करो भाई। मनीष गोयल भाई, मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर भी बता देता हूँ, WWE में ही हूँ मैं, और यहाँ भाई फाइट चलती रहती है, हर हफ्ते चलती है USA में। लेकिन मैं भी वही बोल रहा हूँ कि भाई इंतज़ार है उस दिन का जिस दिन TV पे आएगी आप सबके सामने, हमारे देशवासियों के सामने। बस उसी दिन के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ भाई। तो भाई रनिंग करने आया था, बहुत बढ़िया मौसम था और बहुत ही बढ़िया जगह है, मगर चलो सभी भाइयों को दिखाऊं नज़ारा। अजय सिंह बलाली भाई राम राम भाई, राम राम दो दो बार राम राम भाई की। देवानंद जय श्री राम। अंकित पटेल बिल्कुल भाई इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। सजन चिकारा भाई जरूर कनाडा में भी आऊंगा। विकास डागर भाई रेगुलर, बस वही बोल रहा हूं मैं, इनके ऊपर है, अपने हाथ में कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत कर रहे हैं, बाकी WWE वालों के हाथ में। देवेंद्र सिंह बिल्कुल भाई मेहनत रंग लाएगी, भाइयों की दुआएं रंग लाएंगी, भाइयों का प्यार रंग लाएगा भाई। चौधरी आयुष ढाका भाई राम राम, सभी को राम राम भाई। बिल्कुल हरीश चांगड़ा भाई मेहनत कर रहे हैं, सफलता दूर नहीं है।
त्रिभुवन भाई बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव गुजर, हाँ भाई जाट हूँ मैं। राम राम जी, राम राम, प्रणाम मिश्रा जी। राकेश सिंह रावत भाई, क्लिप मेरी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी शायद। सत्येंद्र डागर के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, तो उस पर देखना। जितनी भी रिकॉर्डिंग जहाँ से मिलती है थोड़ी बहुत, वो आपको यूट्यूब पे मेरे ख्याल ज़रूर मिलेगी। हाँ ढाका भाई, एक्सरसाइज चल रही है। सजन भाई, हाँ कनाडा जब भी आऊँगा ज़रूर बताऊँगा। रवि अलावत, राम राम भाई। विकास डागर भाई, बिल्कुल आप सब WWE चैंपियन मेरे को देखना चाहते हो और मैं भी इसीलिए यहाँ बैठा हूँ भाई, अपना देश, अपना घर परिवार, अपना दोस्तों को, आप सबको छोड़ के। सनीमान भाई, एक आप बोल रहे हो कि वजन घाल ले दे इन और ठाडी बना ले, भाई भगवान की दया दे वो तेरी ठाडी है। और अपने हरियाणवी में एक कहावत है, के करेगी तैयारी जब लड़ेगी जीदारी, तो भाई जीदारी होनी चाहिए। विमल भाई राम राम। लवप्रीत ओलख धन्यवाद भाई। शरण भाई, सुबह सुबह इतना पसीना पसीना निकाल लेंगे तभी तो भाई कुछ काम चलेगा, पसीने के बिना तो कुछ भी नहीं। हाँ भाई विमल, आज बहुत दिन बाद लाइव आया, तो मैं कहा चलो काफी दिन हो गए सबसे बात करें, मैं कहा आज बात करूं सबसे। विजय भारद्वाज राम राम भाई। मयंक पांडे जी जय श्री राम। विमल भाई मैं USA में हूँ। विकास डागर भाई पतला नहीं होया, ऐसा ही हूँ भाई, भाइयों का प्यार है, कहीं पतला नहीं होया, सब ठीक है भाई। सारे भाई इतने सारे मेरे साथ रहे, सबका प्यार मेरे साथ रहा, आप सब की ताकत भी तो मेरे साथ है, क्या फर्क पड़ता पतले मोटे। अरविंद भाई अगली फाइट मेरी यहाँ पे कल है शनिवार को। विकास मलिक भाई राम राम, ठीक ठाक हूँ भाई, अपनी सुनाओ। देवेंद्र जी राम राम भाई। गोपल भाई राम राम, सब ठीक है भाई। सतेंद्र पहलवान राम राम भाई, क्या हाल चाल है भाई, मेहनत कैसी चल रही है। भाई बहुत सारे भाई ये पूछ रहे हैं रोमन से मिले हो आप, भाई रोमन और मैं एक ही कंपनी में हैं, वो भी WWE में, मैं भी, और भाई मिलना जुलना यहाँ होता रहता है। और बाकी इंडिया में भी हम आए थे भाई, एक साथ रुके थे, एक ही जगह थे जब फाइट हुई थी इंडिया में, WWE इवेंट हुआ था नई दिल्ली में, तो भाई इकट्ठे ही रहे थे और मिलना जुलना तकरीबन होता रहता है यहाँ पे सबसे। अरे फौजी साहब राम राम भाई, राम राम भाई, बहुत आप सबका प्यार है भाई, इतने कमेंट आ रहे हैं तो एक आधे की नहीं देख पाता भाई, बाकी सब की राम राम है भाई, दिल तो राम राम सारे भाई है की एक आधे की नहीं देख पाता। सतेंद्र भाई बिल्कुल ठीक ठाक है, यहाँ भी बढ़िया चल रहा है सब कुछ, लगे रहो भाई। सतीश भाई राम राम। रामनिवास भाई राम राम। अरे जितेंद्र दैया मीनू भाई क्या हालचाल है, कहाँ है आजकल, धन्यवाद भाई। दिव्य सोनू भाई राम राम। विकास डागर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई धीरज भाई भारद्वाज साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। राहुल भाई जय जवान जय किसान,
इनसे ही हमारा देश महान। हाँ जी रहमान भाई, बताओ क्या बोलूँ आपको, आपका नाम बोल दिया। रामनिवास भाई दुश्मनी, देखो मैं इंडिया में भी पहलवानी करता था और सारे पहलवान हैं वहाँ भी, कंपटीशन अपनी जगह है, भाईचारा अपनी जगह है, तो दुश्मनी कहीं भी नहीं होती। हम खेल खेलते हैं, वो उसमें हार जीत है भाई, लेकिन भाईचारा अपनी जगह है, वो हमेशा बना रहता है। विजय भाई गांव का भी कोई प्लान नहीं, शायद दिसंबर में देखूंगा। अजय भाई राम राम, सुधीर राम राम भाई, दिवेश मेहता जय श्री राम, राजेश कुमार जांगड़ा भाई, हाँ फाइट यहाँ पे होती है भाई यूएसए में, इंडिया में बहुत जल्द उम्मीद है कि टीवी पे आनी शुरू हो जाएगी। बाकी जिस भाई को भी देखनी हो शायद यूट्यूब पर मिल जाएंगी भाई, यूट्यूब पर देख लिया करो, जितनी भी रिकॉर्डिंग यहाँ से थोड़ी बहुत मिलती है भाई वो यूट्यूब पर मिल जाएगी। प्रीतमान सैनी भाई बहुत बढ़िया हालचाल है। कुलवंत सिंह WWE ट्राई आउट का रिजल्ट भाई मेरे ख्याल जल्दी आ जाएगा, काफी दिन हो गए। विकास डागर भाई दूध दही मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन अपने वाली बात नहीं है, जो अपने घर का मिलता है अपना फ्रेश वो बात तो नहीं है, लेकिन हाँ भाई बाकी मिल जाता है सब कुछ। थोड़ी बहुत समस्या ये है भाई, जो भाई बोल रहे हैं कि भाई पतले हो गए, तो मैं एक तो पहली बात प्योर वेजिटेरियन हूँ, अंडा मांस मछली मैं खाता नहीं, और भाई अपने इंडिया में था, अपने घर का सब कुछ मिला करता, तो इस चीज़ का फर्क तो है भाई। सोनू भाई राम राम, ठीक ठाक हाल चाल है भाई। समत भाई हाँ गुजरात भी आऊंगा भाई। अरे हरियाणा की भाई जी आई शरण भाई, हरियाणा की याद के आनी, हरियाणा तो भाई हरियाणा अपना देश ये तो अपने दिल में है भाई, याद तो उस चीज की आगरा जिसने भूल जा। दीपक भाई राम राम, जय हिंद। मोहन भाई यूएसए हूँ। रोनित राज भाई राम राम। गणपत लाल राम राम भाई। रवि मजरा राम राम भाई। प्रकाश भाई राम राम। मनोज भाई टाइम होया है यहाँ पे मेरे ख्याल 10:30-11 के आसपास हो गया होगा। चौधरी जीत सिंह भाई राम राम। अरे मीनू भाई संदीप कोच साहब गांव में है, खाड़े ने संभाल रहा है भाई, मिलका अगरो जाके। हर्ष भाई बहुत बहुत धन्यवाद, मेलबोर्न में हो आप, बड़ा बढ़िया है भाई, लगे रहो जहां भी हो। रोबिन भाई राम राम। विकास भाई पलवल के डागरों को भी राम राम। चौधरी अमित तोमर भाई जरूर जरूर आऊंगे किसी दिन लाइव। राम राम शीलू शर्मा भाई। रीटा बहन जी राम राम। सचिन डागर भाई हालचाल ठीक है। सुमेंदर भाई राम राम। सलमान भाई बिल्कुल सलाम चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। एसडी इस्माइल भाई राम राम। दीपक भाई फाइट कल है, यहाँ हर हफ्ते चलती रहती है। सूरज भाई यहीं था, बस टाइम टूम कई बार नहीं मिल पाता, एक टाइम का भी फर्क है, जब वहाँ अपने भाइयों का सोने का टाइम होता है यहाँ दिन होता है भाई, कई बार बस बिजी रहते हैं नहीं आ पाता, इसीलिए आज लाइव आया मैं, आज सभी भाइयों से लाइव आके बात करूं।
गजानंद प्रजापति भाई राम राम, राजेश कुमार जांगड़ा, हम आपको वर्ल्ड चैंपियन देखना चाहते हैं भाई। बिल्कुल आप सभी का प्यार है, आप सभी की दुआएं रही तो सबकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। विकास डागर भाई, सौरव गुजर भी यहीं पर है, विश्वास ठाकरान भाई, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा जान के। अजय बांगड़े राम राम भाई, बचन पंडित राम राम जी, रवि माजरा यूएसए में हूँ। हाँ भाई, दो केले आज एक्स्ट्रा जरूर खा लेंगे आपकी तरफ से शरण भाई। ऋतिक भाई राम राम, किरण सिंह वर्कआउट बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, वर्कआउट वैसे खत्म हुआ था तो मगर चलो सभी भाइयों से बात करूं थोड़ी देर, फिर चलेंगे अपने घर की तरफ। बिश्नोई भाई राम राम, सूरज सवानी धन्यवाद भाई, मनोज भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मोहित जाट भाई राम राम, अमित भाई राम राम, वाह भाई वाह, इतना प्यार भी अपने देश में मिल सके भाई, यहाँ बड़े बड़े सुपरस्टार देख लिए भाई, जो प्यार अपने देश वाले करते हैं वो कहीं नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। मोहम्मद मुश्ताक खान राम राम, सबको राम राम भाई। रोहित छकारा राम राम भाई, रमेश दैया भाई राम राम, हरेंद्र सिंह भाई, दूध देखो इंडिया में था अपना फ्रेश दूध आया करता, घर का था, 5-6 किलो पी लिया करते, लेकिन भाई यहाँ तो बस फ्रेश नहीं मिलता तो अपना काम चलाना पड़ता है, लेकिन भाई याद आई बस दूध से, ये बात याद आई भाई। बहुत सारे भाइयों के मैसेज आते हैं कि भाई सप्लीमेंट के बारे में पूछें, भाई सप्लीमेंट एक तो गलत चीज़ नहीं है लेकिन बहुत लिमिट में लिया जाए और ये पता हो कि क्या लेना है। भाई मेरा अपना खुद का भी एक्सपीरियंस है, मेरे को नहीं पता भाई, आजकल बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो इतना ज्ञान देते हैं भाई, मैं तो अगर कुछ भी बोलूँगा तो शायद मेरे खिलाफ बोलने लग जाएंगे भाई, मेरी बात शायद आज के टाइम किसी को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हाँ है सच्चाई भाई, खुद का एक्सपीरियंस है कि भाई दूध घी और बादाम जूस फल फ्रूट जो ताकत इन चीज़ों में है भाई वो किसी चीज़ में नहीं है भाई। जितने भी भाइयों के मैसेज आते हैं भाई सबको बता दूँ मैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है भाई, मैं इंडिया में था जब भी डेली का, जो मेरे साथ रहने वाले हैं सभी भाई, मेरे अखाड़े वाले चंडीगढ़ रहा करते साथ, वो जानते हैं भाई, 6-7 किलो दूध में डेली का पिया करता, और भाई उसका इतना फर्क है कि दिन पर दिन शरीर में ताकत आती, खुद दिखी, खुद महसूस हुई थी भाई। तो मेरे हिसाब से मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस है भाई, कोई मेरी इस बात को, आजकल तो मैं देखता हूँ भाई यूट्यूब पे भी आप देखते होगे भाई, लोग बहुत सारे ये बोलते हैं दूध ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, घी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इससे ये बीमारी हो जाती है, ये हो जाती है, तो भाई क्या बताऊँ मैं, उनकी सुनूँ या अपना एक्सपीरियंस देखूँ, या और भी अपने भाई हैं पहलवान हैं जितने भी अपने इंडिया के पहलवान हैं, पहले जो बड़े बड़े पहलवान हुए हैं, किसने सप्लीमेंट लिए थे और भाई किसने स्टेरॉइड लिए थे, ताकत हो जाया करती उनमें, तो हाँ इतना जरूर फर्क है कि भाई पहले की तरह हर चीज़ आज प्योर नहीं रही, तो ज़्यादा कुछ नहीं भाई, इतना मत करो कि जिसने जो कुछ बता दिया और कुछ भी लेना शुरू कर दिया। प्रोटीन ले सकते हो बढ़िया प्रोटीन, मेरे ख्याल से तो प्रोटीन ले सकते हो भाई, बाकी ज़्यादा कुछ मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए भाई, और कुछ अपने प्रोटीन हर चीज़ में मिल जाए भाई, ज़रूरी नहीं है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे को अगर प्रोटीन चाहिए तो भाई दूध में प्रोटीन है, पनीर में प्रोटीन है, चने की दाल है या चने वैसे भिगो के खाओ उनमें प्रोटीन है, कितनी सब्जियां हैं जिनमें प्रोटीन होता है, कोशिश करो कि भाई प्योर प्रोटीन लो,
और अगर लेना पड़े सप्लीमेंट प्रोटीन ले सकते हो मेरे हिसाब से भाई, प्रोटीन ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक है प्रोटीन ले सकते हो, लेकिन बाकी चीज़ों पे आड़कबाड़ इतनी आ गई उन पर ध्यान मत दो भाई, ठीक नहीं है। जोगराज सिंह भाई राम राम। चौधरी शैलेंद्र कुंटल भाई राम राम। कुलदीप देसवाल राम राम। वाह भाई वाह, मजा आ गया सबसे बात करके। और यहाँ का मौसम भी मैं दिखा दूं। दीनपाल शेखावत भाई, हमेशा ही मैं जब भी रिंग में जाता हूँ आप एक बार बोल रहे हो, मैं हमेशा ही जय हिंद का नारा लगाता हूँ भाई जब भी रिंग में जाता हूँ। अपने देश के लिए खेल रहे हैं, अपना हिंदुस्तान सबसे बढ़ के है भाई। बबलू दैया भाई राम राम। छगन चौधरी भाई राम राम। सुरेंद्र गोयल जी जय हिंद। विवेक भाई बिल्कुल पसीने का ही खेल है सारा, पसीना निकाला करो, पसीना बहुत बढ़िया है। देवराज राम राम भाई। विजय भारद्वाज भाई फाइट, उन्हें बताया था पहले भी शायद, कल है भाई फाइट मेरी। विवेक भाई राम राम। फ्लोरिडा में भाई रवि और गैरी मट्टू राम राम भाई, क्या हाल चाल है। वाह भाई वाह, सारे भाइयों तो बातचीत होगी आज तो। सदर भाई सलाम। महिपाल गुलिया राम राम। भाई विकास WWE में सबसे अच्छे दोस्त, देखो यहाँ सारे मेरे दोस्त हैं। मैंने बताया कि इंडिया में भी था, पहलवानी करता था, वहाँ भी सारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कुश्ती थी, गेम है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बाहर भाईचारा बहुत जरूरी है और होना भी चाहिए सबके साथ, और सारे बढ़िया दोस्त हैं भाई। लो भाई यहाँ का भी दिखा दूँ नज़ारा, आपने देखो कितना बढ़िया है। राम राम भाई। राघव राम राम। तरुण भाई राम राम। राधे जोशी राम राम भाई। ये देखो भाई दिख रहा होगा नजारा भाई कितना बढ़िया है, बढ़िया मौसम हो रहा है। हरजीत भाई राम राम। गुरपाल सिंह राम राम भाई। भाई फ्लोरिडा में रवि अभी बताया था, ऑरलैंडो में हूं मैं। और भाई यहाँ पे एक चीज और बताऊं, मगरमच्छ पाना बहुत ही आम बात है, कई बार सड़कों पे भी आ जाते हैं, स्विमिंग पूल में भी आ जाते हैं, और शायद अब भी यहाँ कहीं दिख जाए मगरमच्छ। यहाँ पे बहुत है भाई, जहाँ भी कहीं पानी खड़ा हो कहीं भी मगरमच्छ मिल सकता है। आदित्य डागर राम राम भाई। हाँ भाई राजपूत, बहुत दिनों में लाइव आया मैं, आज दिल कर गया सभी भाइयों से बात करूं। और भाई देखो इतनी बढ़िया जगह है, इतना बढ़िया नज़ारा है भाई, मेहनत करने का अपने आप दिल कर जाता है यहाँ पे। सुभाष स्वामी राम राम भाई। बहुत बढ़िया जगह है भाई प्रैक्टिस करने की। सचिन मुन्ने कब कही भाई, सचिन तेरा नाम रवि है भाई, रवि भी है इसमें, सारे बहुत सारे भाई जुड़ रहे हैं, रवि का नाम तो रवि होगा। अभी भाई राम राम। भाई जिसने रनिंग करनी हो उसके लिए ये बना रखी है अलग से,
भाई साथ में झील है और बहुत बढ़िया नजारा है भाई। रविंदर सैनी भाई WWE में हूँ, बड़ी जल्दी देखोगे आप सब भी। वीर चौधरी राम राम भाई। अरे भाई मेहनत होगी, भाइयों से बात होगी और चले अपने घर की तरफ। यह खड़ी अपनी राम प्यारी। दोनों काम बढ़िया हो गए, मेहनत भी होगी, सबसे बात भी होगी। अजय भाई राम राम। कुलदीप रोहित भाई क्यों नहीं, आपका नाम भी लेंगे भाई, सबका नाम लेंगे। सुमित भाई गाड़ी जीप है या। अशोक भाई राम राम। राजकुमार भाई बिल्कुल, मेरा भी दिल खुश हो गया आप सब से बात करके, आप सभी से बात होगी, मजा आ गया भाई। संजय शर्मा जय हिंद भाई। अशोक भाई राम राम। जितेंद्र भाई राम राम। राणा सुमित भाई राम राम। दिनेश भाई राम राम। वीर चौधरी भाई बिल्कुल, फाइट के लिए यहाँ बैठे हैं और भाई फाइट भी दिखाऊंगे भाई ने। भाई शैलेंद्र घर ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 5-6 किलोमीटर है, 10-1 मिनट का रास्ता है। चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया सबसे बात करके और सबको बार बार फिर से राम राम। जितने भी नए भाई जुड़ रहे हैं सबकी राम राम भाई। आप सबका प्यार इतना है, कई बार सबकी नज़र नहीं आती, नहीं देख पाता, किसी का नाम रह जाता भाई बुरा ना मानियो अगले चक्कर में फिर से ही। और भाई जैसा मैंने बताया, देखो बहुत सारे जवान भाई जुड़ रहे होंगे मेरे साथ, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो भाई अपने हर कोई अपने लाइफ में कामयाब होने के लिए रोज़ सुबह उठता है, कुछ ना कुछ करता है। विकास भाई सीट बेल्ट तो लगा लूँगा, चलाऊँगा जब तो लगा लूँ, जब तो भाई गाड़ी में बैठा हूँ। तो भाई मेरी तो एक ही सलाह है, मेहनत करो, कामयाब बनो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, शोहरत कमाओ, बस एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो भाई, जो मजे आप 20 22 25 साल की उम्र में दोस्तों के साथ लेते हो, जैसे परिवार के साथ रहते हो, उनके साथ हमेशा वैसे ही रहो। क्योंकि ये मत सोचो कि आज आप सफल हो जाओगे, कल सफल हो जाओगे तो आप कभी भी असफल नहीं होगे। सफलता असफलता भाई आनी जानी चीज़ है, जो इंसान सफल होता है वो कभी ना कभी असफल भी होगा। तो भाई इतना ज़रूर ध्यान रखा करो, कुछ भी करो लेकिन अपने दोस्तों के साथ वैसे ही रहो जैसे आप 20 साल की उम्र में उनके साथ जो मौज मस्ती करते हुए करो, किसने रोका है? आपने कभी देखा होगा कि भाई जो भी अमीर आदमी हो जाते हैं वो कभी 20-22 साल की उम्र में जो मस्ती करते थे वो करना छोड़ देते हैं? क्यों छोड़ते हैं भाई? उन बातों से स्ट्रेस आता है, वो चीज़ें हमें खुशी देती हैं, वो मत छोड़ो। सब कुछ मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, सब कुछ बनो, पैसे कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, शोहरत कमाओ, लेकिन दोस्तों को मत छोड़ो, दोस्तों के साथ मजे करना मत छोड़ो। और यही सबसे बड़ी कमाई है, सफलता है, सफलता आनी भी है और जानी भी है, लेकिन
अपना परिवार, अपने दोस्त वो हमेशा रहेंगे, उनको साथ हमेशा रहो, उनको कभी मत, चोटी पे जाके खुद को अकेला मत करो बस। तो उस चोटी से हफ्ते में, महीने में एक दिन नीचे उतर लिया करो, खुद को बड़ा मत समझा करो, ईगो मत हावी होने दो। कोई कुछ हो जाता है आपको, अच्छी बुरी कभी मुसीबत में हो, अपने दोस्तों से बताओ, अपने दोस्तों से शेयर करो। ये बताने में कोई गलत नहीं है कि भाई मेरे को नुकसान हो रहा है या मेरे को यहाँ घाटा हो रहा है या मैं गलत कहीं उसमें जा रहा हूँ, तो दोस्त आपके काम ही आएंगे, मजे करा करो। विकास मलिक भाई, मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, किस किस का नाम लूँ भाई, आप सब जो बात कर रहे हैं वो भी मेरे सारे दोस्त हैं, और भी बहुत सारे दोस्त हैं भाई। पैसा कमाया हो ना हो, नाम हो ना हो, लेकिन हाँ दोस्त बहुत हैं भाई, दोस्त बड़े कमाए हैं। सुमित चौधरी, राम राम भाई। कुलदीप भाई, हनुमान जी की जय। चलो ठीक है भाइयों, राम राम, मिलते हैं फिर जल्दी ही, आप सब से बात करता रहूँगा जब भी टाइम निकाल के जल्दी जल्दी। राम राम भाई, और इतना प्यार देने के लिए आप सबका धन्यवाद, इतना प्यार देते रहो। राम राम, जय हिंद।